यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वॉचिंग राव गेमिंग चैनल। और गाइस अपन खेल रहे हैं बीपीएनजी डॉट ड्राइव। तो गाइस आप लोग ने पिछला वाला वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने मैकक्वीन लाइटनिंग का नेका वीडियो डाला था, कार्स मूवी वाला। तो यार आप लोग नहीं देखे तो ऊपर वाले आई बटन पर है, जाकर देख लो गाइस। और फिर बाद में ये वाला आज का टॉपिक अपन 3D मॉडल कैसे बीपीएनजी डॉट ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल स्टेप्स है, आपको सिर्फ फॉलो करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। यार जिसको नहीं क्या नहीं समझेगा वीडियोस, तो आप लोग है ना पॉज करके देख लो, बिकॉज ये थोड़ा हार्ड होने वाला है आप लोग के लिए, बिकॉज आप नए 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 का 3D मॉडल्स ये कर रहे हो। तो इसके लिए तो इधर देख लो, गोरिल्ला और हल्क का मॉडल है। तो यार मैंने क्या हेल्प करने का दिखाता हूँ आपको। तो इधर .dae फाइल आपको बीएमएनजी में रिक्वायर्ड है, तो यार यही फॉर्मेट चलता है 3D का, बाकी और कोई भी नहीं चलेगा गाइस। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो बीएमएनजी डॉट ड्राइव है वो गेम के अंदर .dae यही वाला फाइल चलता है, बाकी कोई भी नहीं चलता है। तो गाइस लिंक नेका डिस्क्रिप्शन में, आपको कुछ नहीं करना है, वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ आपको, नेका वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखो ये फर्स्ट वेबसाइट है, तो ये इसका भी लिंक, ये जितने भी वेबसाइट है सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ये ना एक वेबसाइट है जिधर 3D मॉडल्स आपको मिलते हैं, तो ये उनका कैटेगरीज है। तो देख सकते हो इधर ने क्या एनिमल हेल्थ मतलब काटा कैरेक्टर्स है, और फिर बाद में अपना बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। तो इधर उसका फॉर्मेट है, तो आपको कौन सा मॉडल चलता है, तो ये देख सकते हो इधर है ना कोलाड़ा करके .dae, तो ये फाइल बीएमएनजी को लगता है। ओके मतलब उसको चाहिए, बीएमएनजी डॉट ड्राइव में लगेगा। तो बाकी FBX और OBJ है, तो ये दो फाइल है ना, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये भी निका आप चल सकता है, लेकिन इसको है ना कन्वर्ट करना पड़ता है .dae में, मतलब है ना आपने निका FBX फाइल लिया उसको कन्वर्ट कर दोगे .dae में। तो अभी आपको इतने सारे इसमें मॉडल्स मिल जाते हैं, आपको जो चाहिए आप चूज कर लो, और .dae वाला निका डाउनलोड कर लो। तो गाइस इधर निका बाकी का मैं मॉडल्स आपको दिखाता हूँ। ये देखो इधर निका इतने सारे मतलब है इधर, तो इधर डॉग हो गया या कुछ ना कुछ, पपेट हो गया, और बहुत भी मिलते हैं इधर, वैसे कैरेक्टर्स मिलेगा आपको। तो ये .dae फाइल आपको चाहिए होगा, तो ये वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। ओके लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। और वीडियो के एंड तक निका ब्रो, उसमें मैं बताऊंगा कैसे अपन निका देखते हैं। तो इधर देखो ये नेक्स्ट है स्केच फैब करके, तो ये वाले चा मतलब इसमें अपन निका सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं इधर आयरन मैन लिखता हूँ, तो इधर देखो आयरन मैन का निका आ जाता है। तो इधर डाउनलोड एम्पल पर क्लिक करूंगा, और इधर फर्स्ट वाला आता है अपना ये वाला जो एकदम बेसिक लग रहा है, तो इसको क्लिक करूंगा। तो देख सकते हो बाकी वाले भी है, लेकिन ये जो वेबसाइट है ना स्केच फैब, ये सिर्फ और सिर्फ FBX, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि FBX करके निका फॉर्मेट रहता है, वो निका करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको डाउनलोड करने के लिए आपको निका रिक्वायर्ड है, उनके वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करो, तो FBX करके एक फाइल आएगा, तो वो डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइज जैसे कि मैंने बता दिया आपको FBX रिक्वायर्ड है आपको स्केच फैब में डाउनलोड करने के लिए। तो यार FBX रहेगा तो आपका नहीं क्या मतलब नेक्स्ट वीडियो देखना ही पड़ेगा आपको, कैसे मैं FBX को कन्वर्ट करता हूँ DAE में, तो वो देख लो। अभी फिलहाल तो नहीं क्या दूसरे वेबसाइट पे चलते अपन, इधर बहुत सारे मॉडल्स है, बट ये सब नहीं क्या आपको FBX में मिलेंगे, ज्यादा करके .dae वाला नहीं मिलेगा गाइस। तो यार नेक्स्ट वीडियो देख लो तभी आपको समझेगा। तो यार ये 3D वेयर हाउस अपना थर्ड वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट पे देख सकते हो, इधर मैंने का सर्च करूंगा तो ये भी वेबसाइट में सब ने का .dae फाइल ही मिलेगा आपको, इधर FBX वगैरह नहीं मिलेगा। तो इधर वेनम सर्च करता हूँ और इधर मॉडल्स पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस इधर देखो, इधर फर्स्ट वाला मॉडल वेनम का है, तो ये सब फाइल्स ने का .dae है, तो इधर ने का क्लिक कर सकते अपन। तो ये देखो इधर सी मोर पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो इधर आप लोग देख सकते हो ये साइड में अपना ने का इंट्रोडक्शन वगैरह इसका, और फिर बाद में निका इधर 3D में भी आप लोग चेक कर सकते हो, व्यू कर सकते हो गाइस। और निका इधर निका डाउनलोड पे भी क्लिक कर लो, तो उधर निका आपको ऑप्शंस मिल जाएगा सब कुछ। तो गाइस इधर देखो ये सब निका उसका, ये आपको बहुत रिक्वायर्ड है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए आपको निका साइन अप करना होगा, और इधर नीचे साइड में आपको कोलाडा फाइल मिलेगा .dae, तो आपको उस क्लिक करना है डाउनलोड पे। तो इधर कोलाडा मतलब .dae होता है। तो गाइस इधर ने कहा डाउनलोड पे डाल दिया हूँ मैंने, तो इधर देख सकते हो ये डाउनलोड पे आ गया है। और फिर बाद में इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और बाद में ओके। तो इधर ने कहा वैनम आ गया अपना, और इसके अंदर ने कहा इसका फोटो आ गया गाइस, और फोटो के साथ अपना .dae फाइल भी आ गया है। तो अपन ने कहा एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट को डिलीट करते हैं, और ये वाले फाइल को अपन इधर से कट करते हैं। और इधर मैं ऑलरेडी ने कहा हल्क और गोरिल्ला के साथ इसको जोड़ देता हूँ,
तो गाइज ये वाले वेबसाइट में आपको टोटली .de मिलेगा, तो ये याद रखो। तो गाइज नेक्स्ट वेबसाइट का नाम ये वाला है सीजी ट्रेडर। तो गाइज ये वाला वेबसाइट भी अच्छा है, इधर भी आपको मॉडल्स मिल जाते हैं बहुत सारे। तो यार इधर ने कहा आप सर्च कर सकते हो, इधर मैं सर्च कर रहा हूँ स्पाइडरमैन के लिए, तो इधर ने कहा मैं सर्च करता हूँ। ये देखो इधर फ्री पे क्लिक करते अपन, तो यार इधर फ्री पे क्लिक कर दिया, और इधर फॉर्मेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको सब ऑप्शंस मिल जाता है इधर। तो इधर भी आप .dae और अपना क्या बोलते हैं ना अलग अलग निकाय FBX OBJ सब आपको मिल जाएगा, बट .dae का बहुत रेयर मिलेगा। तो इधर एक स्पाइडरमैन का है फिलहाल तो, बट यार गाइज ये वाला फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी यूज किया था, इसमें निका अपना बहुत निका मुश्किल है। तो आप निका दूसरा वेबसाइट निका मैं रिकमेंड करूंगा, ये वेबसाइट में आपको निका ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बट इधर आपको लॉग इन जरूर करना पड़ेगा, मतलब साइन अप वगैरह करके निका आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट कोई कोई मॉडल्स लोड हो जाते, कोई कोई नहीं होते गाइज, तो ये ध्यान में रखो। और इधर आपको निका बहुत सारे चीज मिलते हैं, तो इधर जैसे कि देख सकते हो मार्वल हल्क के बहुत सारे इधर मॉडल्स है, और ये सब प्रीमियम है, तो आपको फ्री वाला निका चूज करना और डाउनलोड कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये वाले वेबसाइट में आपको इतना ही मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं है गाइज ये वेबसाइट में। तो गाइज नेक्स्ट वेबसाइट ने कहा ओपन 3D मॉडल है, तो ये बहुत अच्छा वेबसाइट है, जिसपे आपको सब .dae फाइल्स मिल जाते हैं आराम से। तो ये देखो इधर से स्टार्टिंग से निकल आपको दिखा देता हूँ, इधर बहुत सारे मॉडल्स है, जैसे कि सुपरमैन का मॉडल है, अपना गॉडजिला है, और फिर बाद में निकल किंग कॉन्ग है, इधर बहुत सारे मॉडल्स है, गोरिल्ला का भी है, तो इधर देख सकते हो। तो ये मतलब बहुत अच्छा पेज है, और इसमें निकल बहुत सारे मॉडल्स आप देख सकते हो, एक साथ में मिलेगा आपको .dae का। तो ये निकल वर्थ है एकदम ये पेज, तो ये पेज को निकल आप बुक मार्क करके रख लो और विजिट करो, मैं बोलूंगा कि है ना ये पेज से आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस। सो गाइस इधर नेक्स्ट वेबसाइट अपना 3D एक्सपोर्ट करके, तो ये वाले वेबसाइट पे आपको निकल लॉग इन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा सॉरी। तो इधर देख सकते हो इधर निकल आपको निकल बहुत सारे मॉडल्स मिल जाते हैं, और ये मॉडल्स भी आपने को निकल आराम से फ्रीली मतलब कर सकते हो .dae का। तो इधर देख सकते हो इधर निकल अपना क्या बोलते हैं आईटी इट मूवी का भी निकल कैरेक्टर है, तो इधर आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यार इसको फ्री है ये एकदम, तो आपको सिर्फ मॉडल ने का डाउनलोड साइन अप करना और डाउनलोड करना है गाइस, ज्यादा कुछ ये नहीं है, तो साइन अप बहुत रिक्वायर्ड होता है सब में। तो इधर आपको देख सकते हो इधर .dae फाइल आपको मिल जाता है, और एकदम इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, तो ये ध्यान में रखो। तो गाइस इधर देख सकते हो इधर आईटी मूवी का निकल इधर अपन हो गया, तो इसके बाद निकल इधर और भी मॉडल्स आपको मिल जाते हैं गाइस, तो ये वाले मॉडल्स भी आप लोग आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, देख सकते हो इधर डाउनलोड कर सकते हो, और इधर बहुत सारे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो पेज बढ़ते जाएगा। तो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वीडियो फुल अच्छे से देखना, तो ये इसके बाद में आपको निकाय डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो यार ध्यान से देखो, बिकॉज है ना बहुत लोग कमेंट में फिर बोलते हैं नहीं समझ में आया। तो यार इधर देखो नेक्स्ट वाले वेबसाइट पे अपन बता देता हूँ, 3D कैट ब्राउजर करके है, तो यार इधर निकाय बैटमैन आपको मिल जाएगा। तो यार किसी ने तो कल बताया था कि बैटमैन चाहिए था, तो इधर मैंने बैटमैन का भी ढूंढ के निकाला, तो इधर आप आराम से निकाय इसको निकाय इंस्टॉल कर सकते हो, और बाद में आपको मैंने कहा कैसे यूज करने का वो बताऊंगा। तो गाइज जब भी आ जाते हैं अपन इंस्टॉलेशन पे, तो आपको सब ब्राउजर में निकाय डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, और जाके डाउनलोड कर लो। तो अभी अपन फटाफट से निकाय इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू कर देते गाइज, चलो सीधा। तो गाइज इधर निकाय मैं सबको बता देता हूँ कि इधर है ना आपके कंप्यूटर में निकाय ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर है वो निकाय आपके कंप्यूटर में जरूर रहना चाहिए। ब्लेंडर जो होता है वो 3D सॉफ्टवेयर है, वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में निकाय आप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। और निकाय गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज निकाय आपको आगे के वीडियो में भी लगेगा। और निकाय इधर देखो इधर 2D पे क्लिक करते हैं, जनरल पे क्लिक करते हैं, और साइड में इधर निकाय पूरे निकाय क्यूब और कैमरा लाइट्स है, इसको अपन निकाय डिलीट कर देते हैं, फाइल में जाते हैं, इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं, और कोलाडा फाइल पे निकाय इम्पोर्ट करा लेते हैं। तो इधर मैं लोकल डिस्क ए पे जाता हूँ, और फिर बाद में इधर वेनम मेरा फाइल है, तो उसको मैंने कहा .dae फाइल को इम्पोर्ट करता हूँ। तो गाइज इम्पोर्ट करने से आपको ये पता चलेगा कि है ना आपका मॉडल जो रेडी है, मतलब आप गेम में इम्पोर्ट कर सकते हो उसको, तो ये बात आ जाती है इसमें। तो इधर साइड में क्लिक करोगे तो उसका कलर भी आपको दिख जाएगा, तो इधर प्लस पे क्लिक करोगे तो जूम भी हो जाएगा। तो गाइज इधर देख सकते हो अपना मॉडल एकदम ऐसा कुछ दिख रहा है, तो ये देखो मैं इसको जरा ऐसा करके दिखाता हूँ। तो गाइज ये इसको निकल जूम करता है, जूम इन जूम आउट करता है,
तो ये प्लस सिंबल, और इसको ये रोटेट करता है, और फिर बाद में ये गाइस इसको देख सकते हो मॉडल अपना एकदम अच्छे से रेडी है। तो ये मॉडल को अपन ने क्या अगर BMNG डॉट ड्राइव में डालते हैं तो वो गाड़ी के आसपास हो जाएगा, तो आसपास यानी आपको होने का जो गाड़ी है वो डायरेक्टली आसपास हो जाएगा। तो आपको एक एग्जांपल में मैं एक पिक दिखाता हूँ। तो गाइज ये वाला पिक देखो, ये पिक में ने क्या मैं आपको बताता हूँ, ये नॉन कोलिजन है, मतलब इसमें ने क्या कोलिजन इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ने क्या बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये हो गया कि हल्का पैर है और उसके अंदर से गाड़ी आर पार हो गया, मतलब गाड़ी एकदम जरा सा भी ब्रेक नहीं हुआ, जरा सा भी टूटा नहीं, सिर्फ उसके अंदर से निकल गया, तो इसको ने क्या नॉन कोलिजन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखो, अभी नेक्स्ट पिक दिखाता हूँ उसमें देखो। तो गाइस अब ये वाला पिक देखो, ये पिक में निका पूरा हल्के पैर के अंदर निका गाड़ी ब्रेक हो जाता है, मतलब गाड़ी का पूरा डैमेज हो जाता है गाइस, तो इसको निका कोलिजन मिस बोलते हैं। तो ये निका दो टाइप्स हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको कौन सा चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो उस तरीके से मैं निका मॉड्स अपलोड करूंगा और आपको निका बताऊंगा कि कैसे निका कोलिजन और नॉन कोलिजन बताऊंगा। तो यार ये दोनों अलग अलग टाइप है, तो ये मेरे को भी नहीं पता था बट अभी पता चल गया। तो इसको नहीं कहा आप लोग BMNG के इसमें सेटिंग्स में भी चेंज करना होता है और ब्लेंडर के इसमें भी आपको चेंज करना होता है, तो मैं आपको आने वाले इसमें नहीं कहा बताऊंगा। और अभी नहीं कहा ये मेरे पास नहीं कहा वैनम का मॉड है, तो इसको मैं नहीं कहा इधर से नहीं कहा कट करूंगा गाइस, और इधर कट करके इसको मैं डायरेक्टली BMNG.dev के डायरेक्टरी में जाऊंगा और इसको नहीं कहा इधर पेस्ट कर दूंगा अपना लेवल्स में, और अपना कार्ड जम्प अरीना में मैं इसको डाल दूंगा गाइस। तो इधर देखो कार्ड जम्प अरीना शेप्स है और इसके अंदर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो गाइज अब जो मैंने निका पेस्ट किया है वो कोलिजन मतलब नॉन कोलिजन मिस है, मतलब उसमें गाड़ी आर पार हो जाएगा, तो आपको दिखाता हूं मैं। तो इधर अपन गेम स्टार्ट करते अपना। तो गाइज इधर देख सकते हो, इधर मैंने निका अपना मैप गेम निका लोड हो गया है और इधर निका मैं कार जम्प अरीना लोड कर रहा हूँ। तो गाइस इधर तब तक नहीं क्या वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दो, चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब बटन दबा दो, और नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है गाइस, जाकर कमेंट कर दो। अगर कुछ नहीं समझा तो इंस्टाग्राम पर मैं हूँ, आप जाकर मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा गाइस। और नहीं क्या अभी इसी तरीके से अपना गेम लोड हो गया है गाइस इधर। तो गाइस इधर देख सकते हो, इधर गाड़ी अपना लोड होने के बाद अपन शिफ्ट से प्रेस करते हैं, और उसके बाद में नहीं क्या इधर मैंने कहा आगे चलता हूँ, और इधर मैं बीच में निका बराबर ये जो क्रॉस दिख रहा ना, ये क्रॉस के इधर ही मैंने कहा अपना निका वैनम खड़ा कर दूंगा। तो गाइस इधर अपन ने कहा F11 प्रेस करते हैं और इधर इन्वेंट्री टूल आ जाता है, तो इसको कट कर देगा और इधर विंड एसेट ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, जो एसेट ब्राउजर लोड होने के बाद वैनम दिखाएगा इधर। तो ये वैनम को अपन लोड कर लेंगे गाइस, तो ये बहुत छोटा लग रहा है बट इसको अपन स्केल करके बड़ा कर देंगे। तो इधर देखो अभी इसको मैंने कहा इधर हटा देता हूँ एसेट ब्राउजर को, और बाद में इसको स्केल करता हूँ। तो ये स्केल के लिए आपको ऑप्शन पता ही होगा, इससे बड़ा होता है पूरा चीज, तो ये बड़ा कर देते अपन। तो गाइस इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, और बड़ा करके इसको जरा मोटा कर देते, तो ये देखो। तो गाइस ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी फिलहाल। तो गाइस इसको मूव टूल से मैं मूव कर दूंगा थोड़ा ये साइड में, क्रॉस के बीच में रखेगा, और बाद में कुछ ऐसा पतला सा लग रहा है, तो इसको मैं फिर से स्केल कर दूंगा और मोटा कर दूंगा। तो गाइस अब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है एकदम ये। तो गाइस इधर देख सकते हो, इधर ने कहा मैं ने कहा इधर इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो इधर देख सकते हो इधर ने कहा कोलिजन मिस करके लिखा है। तो गाइस इसको है ना आप विजिबल मिस रखो या कोलिजन मिस रखो, वो एक ही होने वाला है, मतलब अभी ये फिलहाल तो ने कहा आपको दिखा देता हूँ मैं, एक मतलब एक एग्जाम्पल पे दिखा देता हूँ।
तो गाइस अपन ने कोलिजन मिस रखा था और अपने देखा था कि कैसा गाड़ी आर पार हो गया। अभी मैंने कहा सब इन्वेंटरी में जाके चेंज करता हूँ और विजिबल मिस करता हूँ, तभी देखो क्या होता है। तो गाइज आई होप आपको समझ आ गया वीडियो। तो यार इधर दोनों मैंने ट्राई किया और दोनों के अंदर गाड़ी आर पार हो गया, तो इसको नॉन कोलिजन मिस बोलते हैं। तो इसमें नहीं का गाड़ी आर पार हो रहा है, तो ये नहीं का आपको ब्लेंडर में जाके चेंज करना होगा सेटिंग्स। तो इधर मैं ब्लेंडर ओपन कर लेता हूँ फट से और फिर बाद में इधर जनरल पे क्लिक करता हूँ और इधर तीनों चीज को डिलीट कर देता हूँ और फिर बाद में इधर फाइल में जाता हूँ और इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो इधर कोलाडा फाइल जो है अपना है .dae, वो वेनम का अपन इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं गाइस। तो इधर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस इधर अभी आपको फॉलो करना है मेरा मेथड। तो इधर ऐड पे क्लिक करेंगे और एम टी एक्सेस अपन ऐड कर देंगे इधर। तो इधर ऐड एम टी एक्सेस आपको 2 बार करना है, तो ये ध्यान रखो। इधर ऐड पे क्लिक करो, एम टी एक्सेस पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक करो, फिर बाद में इसको Base 00 कर दो और फिर बाद में नेक्स्ट वाले को भी आपको डबल क्लिक करना है और Start 01 कर देना है। तो गाइज अभी आपको शिफ्ट होल्ड करना है और इसको नहीं का सीधा नहीं का इसको ड्रैग करना है बेस के अंदर। तो ये स्टार्ट जो है उसको बेस के अंदर आपको डालना है, बेसिकली देखो ऐसा कुछ दिखेगा ये। तो बाद में इसको ये मॉडल को भी आपको शिफ्ट प्रेस करके आपको इसके अंदर डालना है स्टार्ट के अंदर। तो इसको भी आपको ड्रैग करना है और इसको अंदर डाल देना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, मतलब एक कलेक्शन के अंदर आपका बेस और फिर बाद में स्टार्ट, फिर बाद में ये मॉडल। तो गाइज ऐसा कुछ करना है। तो गाइज इसके बाद आपको है ना ये मर्ज करना होगा। तो ये मर्ज करने के लिए आपको ये इतने सारे फाइल्स दिख रहे हैं, तो इसको आपको नहीं क्या लास्ट वाला डिलीट करना है। तो ये कुछ इसमें आपको नहीं करना होता, आपके पास डायरेक्ट होता है ऑप्शन, बट कुछ कुछ मॉडल्स में ऐसा हो जाता है। तो ये देखो स्केचअप जो रहता है उसको डिलीट कर दूंगा मैं और बाद में इसको नहीं क्या अपना जो नहीं क्या ये रहता है, ये देखो ये ऐसा कुछ जूम टाइप हो जाएगा, एकदम बड़ा हो जाएगा। तो इसको आपको नहीं क्या ऊपर लेना है, बाकी कुछ नहीं है, सब सेम मेथड है। तो गाइस इधर ने का मैं आपको बताता हूँ, एकदम ने का इजी है। तो गाइस इधर ने का आपको ए दबाना है और फिर बाद में इसको Ctrl J दबा देना है, बस हो गया आपका काम। तो इधर देख सकते हो इधर पूरा जो था वो एक ही में हो गया है। तो गाइस अभी आपको ने का इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो इसको डुप्लीकेट करने के लिए आपको पहला मॉडल पे क्लिक करना होगा। तो ये मॉडल है, तो मॉडल को आपको क्लिक करना है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट पे जाना है, फिर बाद में ऑब्जेक्ट पे जाके उधर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ने क्या आपका कोलिजन मिस ने क्या आपको उसको नाम डालना है। तो मैं उसको ने क्या स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ कैसा करना है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है। तो ये देखो इधर क्लिक करते और फिर बाद में ने क्या ये क्लिक हो गया और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते और उसके बाद में ने क्या डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते। तो ये ने क्या माउस मूव करोगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, तो इसको आपको ESC प्रेस कर देना है। तो बाद में ये ने क्या आ गया इसका डुप्लीकेट और बाद में इसको ने क्या आपको नेम देने का है, कॉल Mesh 1-1। ओके तो गाइज अभी इधर आपका 3D मॉडल लेकर रेडी है विथ कॉलिजन मेश। आपको फाइल पे क्लिक करना और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना और प्लेस देखना और आपको वो जगह पे एक्सपोर्ट कर देना। तो इधर हो गया, आपको नीचे निकल इधर लिखेगा एक्सपोर्टेड करके, तो इधर देख सकते हो। तो अभी आपको फाइल खोलना है और वो जो मॉडल है वो मॉडल को आपको BMNG के निका मैप में डालना है और मैप में डालने से पहले आप एक फोल्डर बना लो और उसको निका लेवल्स में डाल दो। तो इधर देखो इधर न्यू फोल्डर बनाता हूँ मैं और फिर बाद में इसको मैं नेम दे देता हूँ। तो गाइस फोल्डर बनने के बाद इन दोनों को कट करेंगे और कट करके ये Venom 2 के फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। अब ये Venom 2 के फोल्डर को अपन ने क्या BMNG के डायरेक्टरी में जाएंगे और उसके ने क्या मैप में जाके लेवल्स में जाके डाल देंगे। तो गाइज एकदम इजी था और अभी इधर से आपने क्या आपका ब्लेंडर जो है वो बंद कर सकते हो
और आपका नहीं कहा इधर भीम एन जी के लेवल्स में जाओ, कार्ड जम्प अरिना शेप्स में जाओ, और इधर ऑलरेडी वेनम है तो इसको नहीं कहा अपन डाल देते वेनम 2, और अभी आपका गेम लोड हो जाएगा। Oh.